नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है। मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में पल्मनरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन मैं आप लोगों तक कुछ अपनी तरफ से मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। पहला मैसेज मेरा ये है कि लंग्स की यानी फेफड़ों की आधी से ज़्यादा बीमारियाँ एयर पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक इन कारणों से होती है। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या डस्ट या धुआं हो, तो आप कृपया मास्क लगा के काम करें, ताकि जितना कम से कम धुआं अपने फेफड़ों के अंदर जाए उतना बेहतर होगा। जैसे अपन फैक्ट्रीज़ में या माइंस में कुछ लोग काम करते हैं, या ऐसे उनकी एनवायरनमेंट है जहाँ ज़्यादा धुआं या डस्ट होता है, तो प्लीज़ मास्क लगा के काम करें, उससे लंग्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और लंग्स की प्रॉब्लम कम होएगी। अब इवन अगर आपके शहर में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप बाहर निकलें तो आप मास्क पहन के निकलें, ताकि कम से कम धुआं अंदर जाए। मेरा दूसरा मैसेज ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी ILD कहते हैं। ये बीमारियों का एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि हमारे घर में जैसे एयर कूलर होते हैं, कन्वेंशनल एयर कूलर जिसमें पानी भरता है और घास लगी होती है, उसे हम रेगुलरली चेंज नहीं करते, या फिर घर में एयर कंडीशनर्स हैं जिसके हम रेगुलरली फिल्टर चेंज नहीं करते, तो उसके कारण भी ये बीमारियाँ यानी ILD बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा, जो बर्ड्स होते हैं यानी पिजन्स, या इनके एक्सपोजर में या इनका ज़्यादा एक्सपोजर होने से भी ये लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं। थर्ड मेरा मैसेज ये है कि जो लोग को लंग्स की पहले से बीमारियां हैं, या जिनको ऑलरेडी वो लंग्स की कुछ बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा या इन सबसे पीड़ित हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं जिससे आगे निमोनिया होने के चांसेस कम होते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे वो इनका लाभ उठा सकते हैं। या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है या जो 65 साल से ऊपर हैं, ये भी ये वैक्सीनेशंस करवा सकते हैं, ताकि इन्हें आगे इन्फेक्शन होने के या निमोनिया होने के चांसेस कम हों। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हम एयर पोल्यूशन और धुएँ डस्ट से बचने के लिए मास्क का करेक्ट उपयोग करें, और अपने घर में ये एयर कूलर्स और एयर प्योरीफायर्स और एयर कंडीशनर्स की रेगुलर फिल्टर चेंज या सर्विसिंग करवाएं, और जो लोग को लंग्स की प्रॉब्लम है वो रेगुलर वैक्सीनेशन के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। धन्यवाद।